संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की एक रिपोर्ट ने देश की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है कि सेना के करीब 2,00,000 जवान बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के सरहद पर जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। यही नहीं, सेना को बारूद भी घटिया किस्म का सप्लाई किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सेना के जवानों के साथ धोखा, सरहद पर जवानों की जान की चिंता नहीं। सेना के जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, जवानों की जान से मजाक क्यों? संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो पूरे देश को हैरान कर देने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जवानों को जिन बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत है वो उनके पास पहुंचे ही नहीं है। सेना के करीब 2,00,000 जवान बिना बुलेट प्रूफ जैकेट्स के सरहदों पर जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना को घटिया किस्म की गोला बारूद की सप्लाई हो रही है। और तो और, आतंकियों से मुकाबला करने के लिए जवानों के पास अच्छी क्वालिटी के हथियार भी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 20 से ज्यादा ऐसे कम्युनिशन हैं जो अपने खराब डिजाइन की वजह से सेना के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जवानों के लिए 353,765 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीद की सिफारिश की गई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल 186,138 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कमी है और इन जैकेट्स के लिए आर्मी ने 2009 में ही ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अब तक ये जवानों तक नहीं पहुंची है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने 2009 से 2014 के लिए कम्युनिशन के 113 आइटम की मांग की थी, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनमें से सिर्फ 23 आइटम की सप्लाई कर सका और उनमें ज्यादातर सामान घटिया किस्म का था। इसके अलावा T-72 टैंक में इस्तेमाल होने वाली 125 mm गन की सप्लाई भी घटिया किस्म की थी। इस मामले में स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के अध्यक्ष BC खंडूरी ने कहा कि जांच में जो मिला वो रिपोर्ट में कहा गया है और अब आगे का काम सरकार का है। वहीं रक्षा मंत्रालय इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से बच रहा है। उनकी रिपोर्ट पर जो हमने हमको बताया गया था उसी का आधार पर आपने कमेटी ने राय दी है और जब उसको सरकार उचित समझेगी कार्रवाई करेगी। कमेटी ने जो भी समझा है राष्ट्रीय हित में है, जो कि सेना को मजबूत करने वो हमने काम बताया। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि जो एम्यूशन है कई एम्यूशन डिफेक्टिव है, बुलेट प्रूफ जैकेट है वो भी डिफेक्टिव है, जिससे हमारे डिफेंस की कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के साथ हमारी मीटिंग जनवरी एंड में रहेगी। हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की इमेज ईमानदार और सख्त नेता की है और पर्रिकर कई बार कह भी चुके हैं कि सेना की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि नई सरकार के नए रक्षा मंत्री सरहद पर तैनात जवानों की जान की सुरक्षा को लेकर नई योजना तैयार करेंगे। मनीष प्रसाद, इंडिया TV, दिल्ली।